डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 14 फरवरी 2020 और हमारा जो एपिसोड नंबर है वो है 566 एपिसोड। हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, आप बेल आइकन पर क्लिक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे हमारे चैनल्स पर अपलोड कर दिया जाता है, जरूर देखें। और साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट्स हैं उन्हें भी आप विजिट करें। आइए अब हम आपके लिए करते हैं प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, हु ने चीन से घातक वायरस का क्या आधिकारिक नाम दिया है, और इसका आंसर है COVID-19। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि जो हॉर्नबिल उत्सव है हाल ही में किस राज्य में पहली बार आयोजित किया गया है, ये आयोजित किया गया है त्रिपुरा में। ये हमारे दोनों जो प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस थे उनके उत्तर। और अब हम आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय विद्वान ने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है, और यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, आंसर जो है हमारा यहाँ पर ए, गीता सेन जो है ये इसका राइट आंसर है। मैं आपको गीता सेन की भी तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए ये तस्वीर है उनकी। ये जो गीता सेन है ये भारतीय विद्वान है, कार्यकर्ता है, और इनको ये डैन डेविड पुरस्कार मिला है। अब आपको बताती हूँ इस पुरस्कार के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार जो है हर साल ये विश्व स्तर पर प्रेरक व्यक्तियों को दिया जाता है, संगठनों को दिया जाता है, जिसमें कि $1 मिलियन के 3 पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो इस साल ये जो है भारतीय विद्वान गीता सेन को दिया गया है। अब मैं यहाँ पर आपके साथ एक रिविजन क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। हाल ही के वीडियोज में आपके साथ जो है मैंने कवर किया था कि मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड 2020 उससे सम्मान किसे दिया जाएगा, ये जो पुरस्कार है ये मनोज दास को दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर कौन से भारतीय ऑलराउंडर को जो यूएई है, संयुक्त अरब इमीरात है, उसके क्रिकेट का निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा वो है रॉबिन सिंह को नियुक्त किया गया है। आंसर यहाँ पर हमारा जो है वो सी है। रॉबिन सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे कि वो भारत के पूर्व ऑलराउंडर रहे हैं और अब वो यूएई के क्रिकेट निदेशक नियुक्त किए गए हैं। करीबन 55 वर्ष के हैं रॉबिन सिंह और ये मुख्य कोच के रूप में डगी ब्राउन की जगह यहां पर लेने वाले हैं। रॉबिन ने 1989 से 2001 के बीच भारत के लिए बहुत सारे मैचेस खेले हैं और काफी टाइम से वो जो है वो एक कोच के रूप में काम कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए आपको तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं रॉबिन सिंह। आगे चलते हैं और उससे पहले आपको यूएई दिखा देती हूं मैं मैप में। ये देखिए यहां पर हमारा कंट्री जो है यूएई है, कैपिटल अबू धाबी है। बहुत बार मैं इसको आपको मैप्स में दिखाती हूँ। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहन और करेंसी है यहां पर यूएई दिरहाम। अगला प्रश्न देखिए, किन नए करेंसी नोटों पर सागर सम्राट तेल अन्वेषण प्लेटफॉर्म की तस्वीर होगी, ये प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। ओके, उत्तर यहां पर क्या है हमारा, उत्तर जो है यहां पर 1 रुपए का नोट, तो आंसर जो है यहां पर सी है। जो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने 1 रुपए के करेंसी नोट नियमों के मुद्रण को अधिसूचित किया है, जिसमें कि वित्त मंत्रालय के सचिव के द्विभाषी हस्ताक्षर होंगे। ये जो नोट है आप याद रखना, कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि बताइए भारत सरकार जो है वो कौन सा नोट छापती है। ये जो 1 रुपए का नोट होता है ये भारत का एकमात्र ऐसा नोट है, इकलौता ऐसा नोट है जिसे भारत सरकार द्वारा जो है मुद्रित किया जाता है, बाकी सारे नोट जो हैं वो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। ओके, ये भी आप याद रखना। अब ये जो 1 रुपए का नोट है इसके कुछ फीचर्स भी आपको बता देती हूँ।
9.7 × 6.3 सेंटीमीटर का होगा ये, और इसमें जो कागज है इस्तेमाल किया जाएगा वो पूरी तरह से जो है 100% चीर सामग्री से बना होगा, और करीबन इसका जो वजन है वो 90 ग्राम प्रति वर्ग मीटर है। ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में। और यहाँ पर आप देखिए, आपको इससे संबंधित तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ पर देखो आपके सामने आ गया है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है यहाँ पर ये एक दिवस से संबंधित है। भारत में जो 13 फरवरी है, भारत में 13 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। यह किस महान नेता की जयंती का प्रतीक है, यह प्रश्न है, और यह सरोजनी नायडू की जयंती का प्रतीक है। तो आंसर हमारा यहां पर क्या है, सी है। भारत देश में हर साल 13 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल विमेन्स डे, ठीक है, आप याद रखेंगे। पहली बार हमने इसको साल 2014 में 13 फरवरी को मनाया था, और इस दिन सरोजनी नायडू की 135वीं जयंती के रूप में हुआ था। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। दो तीन प्रश्न आते हैं उनके ऊपर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, सरोजनी नायडू को जाना जाता है। फिर ये जाता है कि देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, वो सरोजनी नायडू थी। कहां की थी वो, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस की थी। इस तरह के प्रश्न जो हैं इनके बारे में आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था वो भी मैं आपको बता देती हूं कि 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी, 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था, और उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। सरोजनी नायडू, इनका जो जन्म दिवस है उस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए, जो इंटरनेशनल विमेन्स डे है, जो इंटरनेशनल विमेन्स डे है वो कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। चलिए अब यहां पर आप सरोजनी नायडू की तस्वीर देखिए, सरोजनी नायडू की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन नेशनल विमेन्स डे। अगला प्रश्न देखो, अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये हमारा पांचवा प्रश्न है, और नियुक्त किया गया है अजय पटेल को। आंसर यहां पर जो है वो डी है, हमारा आंसर यहां पर डी है, अजय पटेल। अजय पटेल जो है इनको अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है और निर्विरोध चुना गया है। जो निर्वाचन अधिकारी थे वो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है फकीर मोहम्मद इब्राहिम। उन्होंने 5 ओपोजिशन होल्डर्स पदाधिकारियों को यहां पर विजय घोषित किया है, और ये जो है ये 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। क्वेश्चन 5, आंसर अजय पटेल। अगला प्रश्न आ गया है हमारा, छठा प्रश्न है। यहाँ पर मुंबई हमले के जो मास्टरमाइंड हैं हाफिज सईद, उनको कौन से देश ने 11 साल जेल की सजा सुनाई है, ये प्रश्न है आपके सामने छठा प्रश्न, और उत्तर है यहाँ पर हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उन्हें सजा सुनाई है। अब सजा क्यों सुनाई है वो सब भी आपको बता देती हूँ। 26/11 का जो मुंबई आतंकी हमला था उसके मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उनको पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी जो अदालत है उसने टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने जमात उद दावा के जो ये सरगना है हाफिज सईद, इनको 11 साल जेल की सजा सुनाई है। प्रश्न 6, और ये देखिए यहां पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये मैप में पाकिस्तान, ये हमारा कंट्री है भारत। इसके आप वेस्ट में देखिए, लंबा सा बॉर्डर शेयर करते हैं हम पाकिस्तान के साथ, कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रूपी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अगला प्रश्न देखो, सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल शुरू की है, ये प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आंसर यहां पर क्या होगा हमारा, आंसर जो है हमारा वो होगा आयुष्मान भारत। केंद्र ने आयुष्मान भारत के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर इनिशिएटिव ये शुरू किया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हर सरकारी स्कूल है उसके 2 टीचर्स को लिया जाएगा, 2 शिक्षकों की पहचान की जाएगी, स्वास्थ्य और कल्याण राजदूतों के रूप में उनकी पहचान की जाएगी, और इस पहल से जो आयुष्मान भारत योजना है उसके प्रचार और सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा को मजबूत करने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये जानकारी प्रश्न 7 के बारे में, आयुष्मान भारत।
यहां पर आप देखिए, मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर भी दिखा रही हूं। एक प्रश्न पूछ रही हूं कि जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, ये कौन से राज्य ने लॉन्च की है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आ गए हैं अगले प्रश्न पर, और ये वाला जो प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस जो है, विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम क्या है? इसकी थीम है रेडियो और विविधता। आंसर यहां पर सी है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने जनरल कॉन्फ्रेंस को विश्व रेडियो दिवस की घोषणा करने की सिफारिश की। यूनेस्को के 36वें सत्र ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 14 जनवरी 2013 को यूनेस्को के विश्व रेडियो दिवस की घोषणा का समर्थन किया है। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। अब ये दिवस है हमारा, तो फिर अब यहाँ पर इसकी थीम क्या है ये बताना भी बनता है। विश्व रेडियो दिवस 2020 की जो थीम है वो है रेडियो एंड डाइवर्सिटी, और इस बार थीम विविधता बहुभाषावाद, इस पर केंद्रित है। आंसर यहाँ पर सी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि विश्व वेटलैंड्स डे, ओके, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है हमारा, ये कब मनाया जाता है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, आज मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, मैं उत्तर कम दे रही हूं, प्रश्न आपसे ज्यादा पूछ रही हूं, रिवीजन हो जाएगा आपका। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी 2020, और ये 9th एडिशन है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वेंडल रॉड्रिक्स का निधन हो गया है। आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 9, वो संबंधित थे फैशन डिजाइनिंग से, फैशन डिजाइनर थे। तस्वीर देखो, इनको अक्सर आपने टीवी पर देखा होगा, फैशन डिजाइनर थे। गोवा में इनका निधन हुआ है, और करीबन ये 60 वर्ष के थे, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 60 ईयर्स ऑफ एज थे ये। भारत सरकार ने इन्हें साल 2014 में चौथा जो हमारा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार, उससे सम्मानित किया था। हमारा ये प्रश्न था प्रश्न 9। अंतिम प्रश्न पर आ गई हूं। फेसबुक भारत के 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को कौन से कार्यक्रम के तहत डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करेगा? आंसर वी थिंक डिजिटल, ये हमारा आंसर है। आंसर यहां पर हमारा जो है वो सी होगा। फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है, जो भारत के 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन की साझेदारी में इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना है। और ये जो कार्यक्रम है, ये उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और बिहार राज्यों में जो है ये वहां पर किया जाएगा। तो ये जानकारी थी 10वें प्रश्न के बारे में, और ये देखिए यहां पर इससे संबंधित तस्वीर, और यहां पर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, वी थिंक डिजिटल। हमारे सभी प्रश्न हो गए हैं। हम आ जाते हैं समरी कीवर्ड्स पर। जो प्रेस्टीजियस डैन डेविड प्राइज है वो गीता सेन को दिया गया है। डायरेक्टर क्रिकेट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वहां पर किसको नियुक्त किया गया है, रॉबिन सिंह को। जो नए 1 रुपए के करेंसी नोट्स होंगे उसमें सागर सम्राट की तस्वीर 1 रुपए के नोट पर। वर्ल्ड वुमेन्स डे जो है ये हम 13 फरवरी को मनाते हैं, ये बर्थ एनिवर्सरी है सरोजनी नायडू की। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया प्रेसिडेंट कौन बने हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के, अजय पटेल। मुंबई अटैक मास्टरमाइंड हाफिज सईद जो हैं, इनको 11 साल जेल की सजा सुनाई है पाकिस्तान ने। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर इनिशिएटिव जो है आयुष्मान भारत से संबंधित है। वर्ल्ड रेडियो डे 2020 की थीम है रेडियो एंड डाइवर्सिटी। पद्मश्री अवार्डी वेंडल रॉड्रिक्स का निधन हो गया है, जाने माने फैशन डिजाइनर थे। उसके बाद यहाँ पर है फेसबुक डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग, 1 लाख वुमेन को ये ट्रेनिंग देगा 7 राज्यों में, और इस प्रोग्राम का नाम है वी थिंक डिजिटल। आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम क्या है? किस भारतीय विद्वान ने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार को जीता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक बटन पर क्लिक करें, और साथ ही साथ जितना संभव हो सके वीडियो को आप शेयर भी करें, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, कल फिर सुबह 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।